बच्चों सुप्रभात। हम आज कक्षा 12वीं पढ़ का राजनीति विज्ञान और इसमें हम पढ़ रहे हैं अध्याय 9 वैश्वीकरण। आज हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैकल्पिक प्रश्न जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं, जो आपको बुक लग रही है। तो पहला है प्रश्न कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है। वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई। वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण एक समान है और वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। तो इसका उत्तर है कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। फिर प्रश्न दूसरा कि वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें है इसका उत्तर कि वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है, यह कथन सही है। फिर है आगे का प्रश्न कि वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है वैश्वीकरण एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। जनता का एक खास समुदाय वैश्वीकरण का कारण है। फिर है वैश्वीकरण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। और लास्ट ऑप्शन है कि वैश्वीकरण का एकमात्र कारण आर्थिक धरातल पर पारस्परिक निर्भरता है। इसका उत्तर है कि वैश्वीकरण एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी है। इसका कि वैश्वीकरण का कारण कौन सा सही है कि वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। अब हम इसी में आगे पढ़ेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे इसी में प्रश्न वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो उत्तर है कि वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। क्या है वैश्वीकरण के बारे में कथन सही है कि वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से। फिर प्रश्न की वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे आर्थिक असमानता और ज्यादा बढ़ जाएगी। वैश्वीकरण के पैरोकारों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समृद्धता आएगी। और आखिरी है कि वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समृद्धता आएगी। तो वैश्वीकरण के बारे में कथन कौन सा गलत है। उत्तर था कि वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समृद्धता। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है, इसके कौन कौन से। तो इसका उत्तर देखेंगे हम कि विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का अर्थ है कि विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या है, जितने भी देश हैं सब एक दूसरे से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में। सब एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। संचार साधनों के विकास के कारण हम विश्व में कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं। इसके कारण हम ये सब कर सकते हैं। संचार साधनों का जो विकास हो रहा है उसके कारण हम विश्व में कहीं भी सरलता पूर्वक आवागमन कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अपने विचारों को भी टेलीग्राफ टेलीफोन इंटरनेट के नवीनतम आविष्कारों आसान से कर सकते हैं। हम कहीं भी रहें हम इंटरनेट
हम कहीं भी रहें अपने आप विचारों का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। इन नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति ला दी और मुद्रा के एक्सचेंज ने भी संसार को जोड़ा। आज विश्व के किसी भी हिस्से में घटने वाली घटना का प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्से में भी पड़ता है। कैसे बर्ड फ्लू और सुनामी एक राष्ट्र की हाथों में नहीं सीमित रहते, ये घटनाएं राष्ट्रीय सीमाओं का जोर नहीं मानती। इसी प्रकार आर्थिक जिनका प्रभाव भी संपूर्ण विश्व पर पड़ता है। अब आगे प्रश्न हम देखेंगे कि वैश्वीकरण के प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? तो प्रौद्योगिकी का वैश्वीकरण में एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण संचार साधनों में तरक्की आई है ना। प्रौद्योगिकी का विशेष प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण संचार साधनों में तरक्की आई है और उनकी उपलब्धता से भी वैश्वीकरण अपने अस्तित्व में आया। सन 1990 के दशक में आई इस प्रौद्योगिकी क्रांति ने विश्व को बहुत नजदीक ला दिया या छोटा कर दिया। जैसे टेलीग्राम, टेलीफोन, इंटरनेट जैसे संचार के साधनों ने विश्व को जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभी हमने पिछले कि इनके द्वारा हम कभी अपने विचारों का आदान प्रदान हम आसानी से कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी के साधनों के कारण ही विश्व के विभिन्न भागों में विचार, पूंजी और वस्तुओं को लोगों की आवाजाही में आसानी होती। शुरू में जब छपाई की तकनीक आई थी तो उसने राष्ट्रवाद की आधारशिला। इसी तरह आज हम यह अपेक्षा करते हैं कि प्रौद्योगिकी का प्रभाव हमारे सोचने के तरीके पर पड़ेगा। आज हमारे सोच और सामूहिक जीवन पर भी प्रौद्योगिकी का असर देखा जा सकता है। विश्व के विभिन्न भागों के बीच पूंजी और वस्तु की गतिशीलता, लोगों की आवाजाही की तुलना अधिक तेज और विस्तृत और व्यापक हो गई और आज इसी प्रौद्योगिकी के कारण ही विश्व के विभिन्न भागों के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब है आगे कि वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो विकासशील देशों में वैश्वीकरण में राज्य की भूमिका में अवश्य परिवर्तन आता है। क्या है कि वैश्वीकरण के कारण विकासशील देशों में राज्य की भूमिका में कुछ परिवर्तन आया है और यह वर्तमान वैश्विक युग में कोई भी विकासशील देश आत्मनिर्भर। अतः वैश्वीकरण के युग में प्रत्येक विकासशील देशों को इस प्रकार की विदेश एवं आर्थिक नीति का निर्माण करना आवश्यक होगा। क्यों? जिससे कि दूसरे देशों से उनके अच्छे संबंध बने रहे या बनाए जा सके, जिसके कारण पूंजी निवेश विकासशील देशों में भी अपने बाजार विश्व के लिए खोल दिए। क्यों? क्योंकि पूंजी निवेश के कारण विकासशील देशों ने अपने बाजार विश्व के लिए खोल दिए और राज्यों द्वारा अपनाई जाने वाली आर्थिक नीतियों पर भी वैश्वीकरण का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता और प्रत्येक देश आर्थिक नीति को बनाते समय विश्व में होने वाले आर्थिक घटनाक्रम और विश्व संगठनों जैसे विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन के इस
इसके साथ ही राज्यों द्वारा जो निजीकरण की नीतियां बनाई जाती हैं, निजीकरण की नीतियां और कर्मचारियों की छटनी, सरकारी अनुदानों में कमी और कृषि से संबंधित नीतियों पर वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का भी स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। अब प्रश्न है कि वैश्वीकरण की आर्थिक परिणतियों क्या हुई है, इस संदर्भ में वैश्वीकरण ने भारत पर क्या प्रभाव डाला है। उत्तर है कि वैश्वीकरण के कारण आर्थिक क्षेत्र में बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं। भूमंडलीकरण के कारण आर्थिक क्षेत्र में बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं और इस कारण देश की पूंजी का वैश्वीकरण एक देश की पूंजी का प्रवाह अन्य देशों में भी हुआ। इसके साथ ही जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने देश से बाहर निकलकर अन्य देशों में भी निवेश करना शुरू कर दिया। रोजगार की तलाश में लोग दूसरे देशों में जाकर भी बसने लगे हैं और वैश्वीकरण की नीति आर्थिक परिणतियों का प्रभाव भारत पर भी पड़ा है। सन 1991 में नई आर्थिक नीति 1991 की नई आर्थिक नीति अपनाकर भारत वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया से जुड़ गया और नई औद्योगिक नीति द्वारा भारत ने महत्वपूर्ण सुधार करने प्रारंभ कर दिए। सन 1992 और 93 से उद्योगों को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया। पूंजी बाजार और आयात निर्यात नीति को सुधारा गया और उसमें प्रतिबंधों को हटाया। 30 दिसंबर 1994 को भारत एक अंतरराष्ट्रीय समझौतावादी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। 30 दिसंबर 1994 को भारत ने एक अंतरराष्ट्रीय समझौतावादी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। फिर 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई और भारत इस पर हस्ताक्षर करके इसका सदस्य। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत ने अनेक नियमों और औपचारिकताओं को समाप्त करना शुरू कर दिया जो वर्षों से अधिक विकास में बाधा बनी हुई थी। प्रशासन व्यवस्था में अनेक सुधार और नौकरशाही तंत्र की जटिलताओं को हल्का कर दिया। भारतीय प्रशासन अपने वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ तारतम्य स्थापित कर रहा है। अब है प्रश्न की क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विविधता बढ़ रही है? उत्तर है कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विविधता बढ़ रही है क्योंकि पूरे देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरें धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इसलिए केवल गरीब देशों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए विश्व के विभिन्न भाग सांस्कृतिक दृष्टि से एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता ला रहा है परंतु इसका कारण नहीं कि यहाँ विश्व संस्कृति का उदय है। विश्व संस्कृति के नाम पर शेष विश्व पर पश्चिमी संस्कृति राजी का बर्गर या नीली जींस की लोकप्रियता का नजदीकी जिसका अमरीकी जीवन शैली का प्रभाव है और अमरीकी राजनीतिक और और संसार वैसा ही दिखता है जैसे ताकतवर संस्कृति से बनाना चाहिए। जैसे मैकडॉनल्ड विभिन्न सांस्कृतियां अब अपने आप को अमरीकी दर्जे पर जाने लगी है। इन्हीं बाह्य प्रभावों से हमारी पसंद या नापसंद का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब है प्रश्न की वैश्वीकरण।
प्रभावित किया और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है उसको हम देखेंगे। इसका उत्तर है कि वैश्वीकरण ने भारत जैसे विकासशील देशों को भी बहुत अधिक प्रभावित किया है और विश्व के अधिकांश विकसित देश भारत को एक बड़ा मंडी के रूप में या एक बड़े बाजार के रूप में देखते क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को आकर्षित करने के तरह तरह के विभिन्न उपाय करते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के नए नए विभिन्न उपायों को करते हैं। क्योंकि भारतीय लोगों ने भी वैश्वीकरण के चलते आजीविका के लिए विदेशों में भी बसना शुरू कर दिया है। जैसे यूरोप और अमेरिकी की पश्चिमी संस्कृति बड़ी तेजी से भारत में कैसे जैसे कि यूरोप और अमेरिका की पश्चिमी संस्कृति बहुत तेजी से भारत में फैल रही है। कैसे जैसे कि भारत में नीली जींस पहनना, पिज्जा खाना और टेलीविजन पर अनेक विदेशी चैनलों को देखना, यह सब वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। दूसरी ओर भारत ने भी वैश्वीकरण को कुछ हद तक प्रभावित किया है। भारत से अधिक लोग विदेशों में जाकर अपनी संस्कृति एवं रीति रिवाजों को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे भारत में उपलब्ध सस्ते शहर ने विश्व के कई देशों को इस ओर आकर्षित किया है। भारत ने कंप्यूटर और तकनीकी क्षेत्र में बड़ी तेजी से उन्नति करके विश्व में अपना प्रभुत्व जमाया है। जैसे कैसे भारत ने किस चीज में तरक्की करी? कंप्यूटर और टेक्निक्स में, तकनीकी क्षेत्र में बहुत तेजी से उन्नति करके विश्व में अपना प्रभुत्व जमाया है। आगे हम इसी में तो बच्चों आज यही समाप्त होता है। आप बहुत अच्छे से इनको कॉपियों में नोट करेंगे।